मेरा नाम विकी रॉय है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। तो जब हम कभी भी किसी फोटोग्राफ्स को देखते हैं और हम बात करते हैं कि हर फोटो में कोई कहानी होती है, तो आज हम बात करेंगे कि फोटोग्राफर की भी कहानी होती है। तो मैं आपको अपने फोटोग्राफी जर्नी से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से फोटोग्राफर बना। तो मैं ओरिजिनली वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ और ये मेरे मम्मी पापा की फोटो है और ये मैंने 2004 में आई थिंक ये फोटो क्लिक किया था। मेरे पास एक कोडक कैपिटन का कैमरा था उससे। तो हम लोग टोटल 7 भाई बहन थे और मेरे फादर टेलर मास्टर थे। तो मेरे फादर की इनकम मतलब रोड साइड में मशीन लगा के बैठते थे, तो पर डे की इनकम 10 से 15 रुपए होती थी। तो उसमें सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट था। लाइक एक टाइम का खाना बनता था तो वही दूसरे टाइम खाते थे। लाइक मेरे घर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं किस तरह के घर से बिलोंग करता हूँ। ये घर की फोटो मैंने 2016 में शूट किया था कि एक अंदाजे के लिए मैं कि किस तरह के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया। मेरे नाना जी बुकारो स्टील सिटी में जॉब करते थे, मेरे एक मामा जी बुकारो स्टील सिटी में जॉब करते थे। तो मेरे मम्मी पापा को लगा कि ये वहां पे रहेगा तो थोड़ा पढ़ एटलीस्ट क्लास 10th तक पढ़ ले के लिए। तो मेरे फादर के लिए वही एक अचीवमेंट था कि क्लास 10th तक पढ़ ले। तो मैं नाना नानी के घर में रहना चालू किया, रेगुलर स्कूल जाना चालू किया। बट बचपन में कुछ फिल्में देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं या अमीर आदमी बन जाते हैं। तो मुझे भी लगा कि अगर मैं शहर चला जाऊं तो मैं हीरो बन जाऊंगा या अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो मैंने एक दिन अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए और मैं उस समय 11 साल का था, 99 की बात है ये। और मैं पैसे चोरी करके स्टेशन गया तो दिल्ली की ट्रेन लगी हुई थी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया। तो मुझे पता नहीं था कि मैं नई दिल्ली स्टेशन में करूंगा क्या। तो मैं स्टेशन जब पहुंचा तो मैं बहुत भीड़ देख के घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं प्लेटफॉर्म पे एक कोने पे बैठ के रोने लग गया। तो कुछ बच्चों ने मुझे रोते हुए देखा तो वो आके मेरे से बात किया और मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई। हम अच्छे दोस्त बन गए, उन्होंने मुझे कुछ खाने के पैकेट दिए और मैं उनके साथ घूमना चालू किया। तो 2-3 दिन के बाद मैं भी उनके साथ है जो रैक पिकिंग का काम करने लगा। तो कबाड़ी चूमता था बेसिकली। तो जो लोग पानी की बोतल पी के फेंक देते थे, मैं वो पानी की बोतल उठाता था, उसमें ठंडा पानी भरता था और जनरल बोगी में हम उसे 5-5 रुपए में बेच देते थे। बिकॉज वो जनरल बोगी काफी क्राउडेड होता था तो उसमें एक बार जो लोग चला जाए वो बाहर नहीं आ पाते थे। तो हमारी इजीली वो बोतल सेल हो जाती थी। बट प्लेटफॉर्म में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट था क्योंकि कभी पुलिस वाले मारते थे, कभी किसी पैसेंजर का कुछ चोरी हो जाए तो वो हमें पकड़ के मारते थे। तो और प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती थी तो ब्लेड मार देते थे। तो वो जेब काटने के लिए ब्लेड होता था तो उससे ब्लेड मार देते थे। तो मुझे लगा कि शायद प्लेटफॉर्म पे रहूंगा तो कभी मेरे चेहरे पे भी कोई ब्लेड का निशान पड़ जाएगा क्योंकि वहां लड़ाई होना आम बात थी। तो मैं नई दिल्ली स्टेशन के बगल में अजमेरी गेट था, वहां पे एक ढाबे में जाके काम मांगा। तो उन्होंने मुझे एज ए डिश वॉशर का काम दिया। तो मैं वहां पे डिश वॉशर का काम करने लगा और एक दिन एक भैया वहां पे खाना खाने आए, मैंने उनको खाना सर्व किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो मैंने उनको पूछा कि कौन मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा। तो इसे कि मैं तुम्हें एक संस्था भेज देता हूँ, तुम वहां पे जाओ और वो लोग तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे कपड़े देंगे। तो उन्होंने मुझे दिल्ली में एक संस्था है सलाम बालक ट्रस्ट के नाम से, जो मीरा नायक ने 1988 में उनकी एक मूवी आई थी सलाम बॉम्बे, तो उस मूवी के सक्सेस के बाद ये ट्रस्ट बना था सलाम बालक ट्रस्ट, तो मुझे वहां पे भेज दिया। तो मैं वहां पे गया और फिर मेरा क्लास 6 में एडमिशन हो गया और मैं रेगुलर स्कूल जाने लगा। जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरे 10th में बहुत कम परसेंटेज आए, 48% आए। तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, आप अपना ट्रैक चेंज करो, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो। तो एनजीओ के पास काफी बजट नहीं होता है ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप कुछ टीवी मैकेनिक का कोर्स कर लो, कुछ सिलाई का कोर्स कर लो, कुछ कुकिंग का कोर्स कर लो। तो मैंने अपने टीचर को कहा कि सर मुझे फोटोग्राफी करना है। तो सर कह रहे उसके लिए बड़ा कैमरा चाहिए, वो कहाँ से लाओगे। तो मैं कुछ दिन तक अपने जिद पे अड़ा रहा क्योंकि मुझे ये पता था कि फोटोग्राफी करने से घूमने फिरने को मिलेगा, बट ये तो नहीं पता था कि मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सिर्फ क्लास 10th पास हूँ और अंग्रेजी बोलना ढंग से नहीं आता है तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो। तो बट ये पता था कि मैं अच्छा असिस्टेंट बन सकता हूँ। तो मुझे सलाम बालक ट्रस्ट ने एक कोडक कैपिटन का कैमरा दिया, ये प्लास्टिक का, उस समय 499 रुपए का आता था। तो मैं इससे बच्चों की फोटो खींचना चालू किया। तो मैं इनको पार्क में लेके जाता था और उनको इस तरीके से पोज करवा के 5-5 रुपए में मैं उनका फोटो खींचता था।
तो फिर 2005 में मुझे सलाम बालक से निकलना था क्योंकि 18 साल के बाद हम एनजीओ में नहीं रह सकते। तो मुझे एक फोटोग्राफर के साथ जॉब पे लगा दिया, जब फोटो असिस्टेंट हूँ मैं, इनको असिस्ट करना चालू किया और सलाम बालक से लोन लेके एक फिल्म कैमरा खरीदा निकॉन F80। तो मुझे लोन के हर महीने 500 रिटर्न करने होते थे, तो मैं 3000 मेरी सैलरी थी, उसमें सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता था। तो मैं शादी घर में जाके वेटर का काम कर लेता था और 5-स्टार होटल में भी जाके वेटर का काम कर लेता था। तो उससे जो पैसे आते थे उससे फिल्म रोल खरीद के एंड फोटो शूट करता था। तो 2007 में मैंने अपना पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से, और इसमें मैं अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश की कि जब मैं स्ट्रीट पे रहता था तो मैं किस तरीके से रहता था। तो मैं 18 साल से कम उम्र के बच्चों का फोटो खींचना चालू किया और बेसिकली अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश की। अब मैं सभी बच्चों को नाम के साथ जानता हूँ बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं टाइम कम है तो हम एक एक डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये एग्जीबिशन मेरा काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि ये 3 टाइम लंदन ट्रेवल किया, साउथ अफ्रीका गया। तो जैसे मैं इतना ही बड़ा था, मेरे हाथ में ऐसे बैग वगैरह होते थे और मैं इसी तरह ट्रैक पे चल करके वो पानी की बोतल वगैरह चुनता था। ये लाची है, लाची बलून सेलर थी बट सी इज पास्ट अवे ड्रग्स ओवरडोज की वजह से। मैं थोड़े टाइम पहले उसकी बेटी से मिला था, लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी जब बहुत छोटी थी तो मैंने इसको कोशिश किया था कि शेल्टर होम में रखवा दूं, बट इसके नानी ने उस टाइम पे जाने नहीं दिया था। तो मैं लास्ट टाइम जब लक्ष्मी से मिला तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। सी इज इन स्टिल द स्ट्रीट। कभी कभी हम गार्बेज स्टोर में जाके ऐसे सो जाते थे बिकॉज गार्बेज स्टोर में कोई चेक करने के लिए नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो अगर हमें ज्यादा लेट तक सोना होता था तो हम ऐसे गार्बेज स्टोर में जाके सो जाते थे। वॉशिंग लाइन में हम इस तरीके से नहाते थे। तो ये एग्जीबिशन मेरा काफी सक्सेसफुल रहा। 3 टाइम लंदन ट्रेवल किया, साउथ अफ्रीका गया, वियतनाम गया एंड 2008 में मैं एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो उसमें पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर्स चुने, तो 2 US से था, एक हांगकांग से था और एक मैं इंडिया से था। तो मुझे 6 मंथ के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे हफ्ते में एक दिन परमिशन थी 2 घंटे के लिए जा करके कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो खींचने की, और साथ में उन्होंने मेरा ICP में एडमिशन करा दिया था। तो न्यूयॉर्क में एक फोटोग्राफी स्कूल है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी। तो वहाँ पे फिर मैंने 6 मंथ का डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कोर्स किया ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे किसी को कुछ बताना हो या टीच करना हो तो मुझे लगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें आनी चाहिए। तो न्यूयॉर्क से मैं वापस आया और हमारे सलाम बालक ट्रस्ट में एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल, और मैं उसका गोल्ड अवार्ड होल्डर था। सो उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू मुझे लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंघम पैलेस। तो ये उस टाइम पे प्रिंस एडवर्ड के साथ की फोटो। 2011 में मैंने ये एक लाइब्रेरी स्टार्ट किया जिसका नाम है रंग ओपन लाइब्रेरी। तो हमने क्या किया कि हमने सारे बड़े फोटोग्राफर से अप्रोच किया कि वो हमें अपनी फोटोग्राफी बुक डोनेट करें बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो सभी को इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सभी को हमें डोनेट करने के लिए एग्री हो गया। तो हमारे पास करीब 400-500 फोटोग्राफी बुक्स इकट्ठे हो गया। तो हम एवरी अल्टरनेट संडे को ये लाइब्रेरी करते हैं, और जब भी हम लाइब्रेरी करते हैं एक एस्टेब्लिश फोटोग्राफर को ऐसे टॉक के लिए बुलाते हैं। तो अभी हमने ये लाइब्रेरी श्री अरबिंदो सेंटर फॉर आर्ट में शिफ्ट कर दी है क्योंकि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गए थे, तो थोड़ा टाइम देना डिफिकल्ट हो रहा था। और 2013 में नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने पहली बार एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया और हम 8 फोटोग्राफर को सेलेक्ट करके श्रीलंका लेके गए। तो ये रियलिटी शो था, तो हर एपिसोड एक फोटोग्राफर शो से बाहर निकल जाता था, और ये टोटल 10 एपिसोड का शो था। और मैं 9th एपिसोड में इस शो से बाहर निकला और मैं इसमें टॉप 4 में था। उसी साल मेरी पहली फोटोग्राफी बुक आई होम स्ट्रीट होम के नाम से, और इस बुक का नाम होम स्ट्रीट होम इस वजह से रखा क्योंकि मैं पहले घर पे था, फिर मैं सड़क पे था, उसके बाद शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया था। तो मैंने अपने शेल्टर होम की फोटो खींचनी चालू की थी कि स्ट्रीट के बाद मैं शेल्टर होम में कैसे रहता था, और शेल्टर होम मेरे लिए मेरा घर था। और यह फोटो मैंने कलर में शूट किया था क्योंकि मुझे लगता था कि स्ट्रीट की मेरी लाइफ थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ थी, और शेल्टर होम में लाइक एक मिडिल क्लास फैसिलिटी मिलती थी, तो मतलब थोड़ी कलरफुल लाइफ थी, बेटर लाइफ थी।
इस बुक के आने के बाद मैं इंक फेलो था 2012, तो इंक फेलो के थ्रू मुझे एक फेलोशिप मिला MIT मीडिया लैब जाने का, और MIT का फेलोशिप मिला मुझे, और थैंक यू। तो मैं थोड़े टाइम फिर MIT में था, और MIT से फिर मुझे इंक का जो हमारा ग्रुप था, मैं काफी सारे जगहों पे जो टॉक देने के लिए इनवाइट किया, तो लाइक हम वर्ल्ड बैंक के फेसबुक हेडक्वार्टर गए, गूगल हेडक्वार्टर गए, पेंटागन गए, व्हाइट हाउस गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, तो इन सब जगहों पे जा करके और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अभी तक जो मेरी जर्नी थी कि फोटोग्राफी ने किस तरीके से मुझे हेल्प किया और मैं किस तरीके से ग्रो किया, बट अब मैं फोटोग्राफी से कैसे सोसाइटी को हेल्प किया, मैं कुछ वो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जनवार कैसल MP में खजुराहो से 70 किलोमीटर दूर एक गाँव है जनवार के नाम से। तो मेरी एक जर्मन फ्रेंड ने वहाँ पे ये स्टेट पार्क बनाया है, और वहाँ पे आदिवासी और यादव दो कास्ट के बच्चे रहते हैं, तो ये बच्चे वहाँ पे स्केटिंग करते हैं। तो मैं इनको 2015 से शूट करना चालू किया था एज ए वॉलेंटियरली, एंड लेटर ऑन द पहले आप ये फोटो देखिए फिर मैं इनकी कहानी बताता हूँ। तो लाइक यहाँ पे ये इस गांव में किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, पहली बार किसी का पासपोर्ट बना, उनको ऑक्सफोर्ड से स्कॉलरशिप मिला। फिर अब ये बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करते स्केटिंग में, तो अभी कुछ बच्चे चाइना गए थे, फिर कुछ यूरोप गए थे, तो मैंने इनके लिए एक कैंपेन किया था चेंज मेकर के नाम से। और जैसे अंकुश सिंह की मैं देश की सेवा करूंगा, सीमा सिंह की हमारे स्कूल में पंखे होने चाहिए, तो जब मैंने इनको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना चालू किया, तो लाइक मेरे एक दोस्त ने स्कूल के लिए पंखे डोनेट कर दिए। देयर इज वन अदर गाय गोविंद, सिंह की मैं गाँव का सरपंच बनना चाहता हूँ। जब मैंने ये फोटो शेयर किया तो मेरे एक ट्रस्टी है संजय रॉय, उन्होंने इनको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी आगे पढ़ने के लिए। तो इस गांव में ड्रिंकिंग वाटर की काफी दिक्कत थी, और जो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कहा कि उसका एक सॉल्यूशन है, बट उसके लिए 8 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा कि यू नो ऐसे तो हमें इतना पैसा कोई नहीं देगा, बट एक काम कर सकते हैं कि जो मैंने स्केट पार्क के अभी तक फोटो खींचा हूँ उनके कुछ फोटो के एक सिलेक्शन बनाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि वो मेरा ये आर्टवर्क खरीदे और इससे हम ये वाटर इनिशिएटिव करेंगे। तो हमने कुछ फोटो बेच के 10 लाख इकट्ठे किए, और वहां पे एक डीप बोरिंग करा के ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के ऐसा टंकी लगवा दिया, और उसको सोलर पैनल से कनेक्ट करके ऐसे 4 नलके लगा दिए। तो ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है फोटोग्राफी के थ्रू। अब इस गांव में लेके 24 घंटे पानी अवेलेबल है 12 मंथ। सो उसी गांव में ये लड़का था, इसका नाम है सचिन आदिवासी, और इसको ये डिजीज पिछले 5 साल से था, और इन्होंने कभी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया था। तो मैंने इनके मम्मी से पूछा और दशरथ की इन्होंने हॉस्पिटल में कभी नहीं दिखाया, तो मैंने सचिन का ऐसा फोटो खींचा और दिल्ली आकर के मैंने सचिन के बारे में अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि इसका नाम सचिन आदिवासी है और इसको अगर कोई हेल्प करना चाहे। तो मेरा एक फ्रेंड है विवेक गुप्ता, उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम सचिन का इलाज कराओ, उसका सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। तो सचिन को मैं दिल्ली में ला करके एक NGO में रखवाया और उसका एम्स में इलाज चला, और सचिन अब बिल्कुल ठीक है और रेगुलर स्कूल जा रहा। थैंक यू। मैंने थोड़े टाइम पहले जामा मस्जिद के पास ये फोटो खींचा था और इसको मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था। तो मेरी एक फ्रेंड है सिलिकॉन वैली में रहती है, राजेश्वरी कनन नाम है, तो उन्होंने ये फोटो देख के मुझे कॉल किया कि विक्की वो फैमिली स्ट्रीट पे भी इतना खुश है, तो मैं उनकी क्या मदद कर दूं कि वो स्ट्रीट पे ना रहे, कुछ काम करे और किराए के घर पे रहे। तो मैं नेक्स्ट डे जाके इस फैमिली को ढूंढा, मैंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड आपकी मदद करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि हम ओरिजिनली राजस्थान धौलपुर से हैं, तो आप हमें वहाँ पे एक छोटा सा परचून का दुकान खोल दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे 50,000 दिया और 15,000 मेरे खर्च हुए, 65,000 का मैंने उनका ये शॉप खुलवा दिया और ये फैमिली वापस चली गई। तो 2016 में मैं फिर फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में आया था, फिर वॉग मैगजीन के 40 अंडर 40 लिस्ट में, और ये मैंने एक बुक शूट किया था जो हमारी एक चीफ मिनिस्टर थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, उन्होंने उनको एक बुक बनाना था कि उन्होंने पिछले 15 साल में क्या काम किया है, और उस बुक के शूट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। तो मेरे लिए लाइक बहुत प्राउड मोमेंट था कि दिल्ली ने मुझे सब कुछ दिया है और दिल्ली के एक चीफ मिनिस्टर बुला करके मुझे ये असाइनमेंट दिया था। ये मेरा ऑनगोइंग काम है, दिस इज कार्टलैंड न्यू माउंटेनस्केप, मैं इनको जल्दी पास करता हूँ। ये मैंने एक कैंपेन किया था trulymedley.com के लिए,
2014 में ये कैंपेन किया था, बहुत पुराने कैंपेन थे। ये मैं अभी एक असाइनमेंट शूट कर रहा हूँ, वॉलंटियरी, एवरीवन इज गुड एट समथिंग। तो ये जैसे ह्यूमन ऑफ बॉम्बे, ह्यूमन ऑफ न्यूयॉर्क है, उसी तरीके का ये एवरीवन इज गुड एट समथिंग। तो इसके लिए मैं इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी ट्रेवल कर रहा हूँ एंड डिसेबल लोगों की फोटो खींच रहा हूँ और उनकी कहानी हर हफ्ते हम इस वेबसाइट में डालते हैं। एक हफ्ते एक मेल स्टोरी, एक हफ्ते एक फीमेल स्टोरी। तो इससे ये बेनिफिट हो रहा है कि जब लोग इनके बारे में पढ़ते हैं तो मुझे कॉल करते हैं, विक्की मैंने इनके बारे में पढ़ा और मैं इनको सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं उनको डायरेक्ट कनेक्ट करा देता हूं। तो देयर इज नो थर्ड पर्सन। तो इनके वेबसाइट एवरीवन इज गुड एट समथिंग जाकर के देखिएगा। मेजर डीपी सिंह, और मैंने इनको इस तरीके से शूट किया है कि लोग ना इनको दया की नजरिए से ना देखें, क्योंकि कभी भी लोग डिसेबल लोगों को देखते ना तो एक दया की नजरिए से देखते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में अपना घर का फोटो दिखाया था आपको कि किस तरह के घर से भी बिलोंग करता हूं। तो मैं 2016 मदर्स डे पे अपनी मम्मी को ये घर गिफ्ट किया हूँ। मेरा यंगर ब्रदर है, जब मैं छोटा था घर से भागा था 11 साल की उम्र में, तो ये मेरे से छोटा है, तो तब से ये एक ऑप्टिकल शॉप में काम करता था। तो मैं 2020 में कोविड के टाइम में थोड़े ज्यादा टाइम के लिए घर गया था, तो मेरे पास थोड़े से सेविंग थे, तो मैंने फाइनली अपने ब्रदर को एक ऐसा शॉप खोल करके दिया। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि अब आपको घर खर्चा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ। So yeah, this is my life journey through photography, किस तरीके से।